Hello students, how are you? I am Vibha, your mentor and your study partner. तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट सेशन यानी कि पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 15 ऑफ बायोलॉजी आर एनवायरमेंट. तो चलिए फिर स्टार्ट करें. फर्स्ट है, वॉट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, हाउ डू दे अफेक्ट द एनवायरमेंट. फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बाय प्रोडक्ट्स यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं और ये एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं. तो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी उनमें से काफ़ी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. अब ये जो गैसेज हैं एयर पॉल्यूशन तो करती हैं, साथ ही जब ये गैसेज वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करते हैं तो आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा कि कितनी हार्मफुल होती हैं. तो एसिड रेन इसी वजह से होती है जब ये हार्मफुल गैसेज वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन कर लेती हैं तो एसिड रेन हो जाती है. तो इस तरह से एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरी तरह ये अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन द एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो आजकल हो रही हैं उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, किस तरह से वो एनवायरनमेंट को हार्म करती है. तो फर्स्ट क्या है, अब आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एक्सेसिव यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का, यानी कि नॉट नेचुरल केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है, जिससे क्या होता है सॉइल की केमिस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई है और जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं सॉइल में वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं. सेकेंड, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ये जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर थे कैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और हार्मफुल इफेक्ट दे रहे हैं हर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को. इसके बाद ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि वाटर टेबल ही लो हो गई है, इतनी ज़्यादा लो हो गई है. इसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी, अब बार बार एक ही अगर सॉइल पे क्रॉपिंग होती जाएगी तो सॉइल की फर्टिलिटी पे भी तो इफेक्ट होगा, तो वो भी ख़त्म हो रही है. और ये सब होने की वजह से जो नेचुरल इकोसिस्टम है सबसे बड़ा हार्म उसे हो रहा है. यानी कि एग्रीकल्चर जो हम आज के टाइम में जो प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं एग्रीकल्चर में उससे भी एनवायरनमेंट को जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. एनर्जी फ्लो जो भी है वो यूनिडायरेक्शनल कैसे है, आप कैसे प्रूव कर सकते हो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. अभी ये जो क्वेश्चन है ये प्री बोर्ड्स में भी काफ़ी बच्चों के साइंस के एग्जाम में आया हुआ है, जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैंने उनका चेक किया है. तो चलिए क्या कहते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं जब हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा कि जो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो है वो लोअर ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल तक जाता है, यानी एक ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर से जाएगा डीकम्पोजर्स. तो जब ये ट्रांसफर होता है एनर्जी का तो 10% लॉ को फॉलो किया जाता है, यानी कि जैसे जैसे एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी तो जो टोटल एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होगा. और इस फूड चेन में हमने कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक तो जाएगा पर वापस भी आएगा, रिटर्न भी होगी एनर्जी. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल. अब नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस मैं एक्टिविटी बेस्ड भी कराऊंगी, जैसा कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. तो उसी से रिलेटेड है हमारे आगे के क्वेश्चंस. क्या है, इन अ फूड चेन इफ 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर टू ट्रांसफर इट टू द टर्शियरी कंज्यूमर. अब क्या क्वेश्चन है कि फूड चेन में अगर प्रोड्यूसर को 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी मिल रही है तो कितना एनर्जी उसको सेकेंडरी कंज्यूमर को अवेलेबल, कितनी ट्रांसफर होगी और उसके बाद टर्शरी को कितनी होगी. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर को एनर्जी कितनी मिल रही है, यानी सनलाइट से वो कितनी एनर्जी ले रहा है 10,000 जूल्स, पर प्रोड्यूसर को ट्रांसफर कितनी होगी. हमने पढ़ा है ना फूड चेन में कि 1% होती है प्रोड्यूसर को, यानी ग्रीन प्लांट्स जो सबसे पहला लेवल पे होते हैं वो 1% ही ले पाते हैं, उसके बाद से 10% लॉ रहता है. तो अवेलेबल एनर्जी है 10,000 जूल्स और इसका 1% अगर निकालेंगे यानी कि 100 जूल्स जो है वो प्रोड्यूसर्स को यानी कि ग्रीन प्लांट्स को रहेगी. इसके बाद हम सेकेंडरी और टर्शरी का पूछा है पर पहले प्राइमरी का तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हर लेवल पे 10% जाती है. तो 10% लॉ का जब हम लेंगे प्राइमरी के पास कितनी, 100 का 10% निकालेंगे हम, यहाँ 10,000 का नहीं निकालेंगे. तो 100 का 10% लिया तो 10 जूल्स आ गया, राइट. अब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी, अब हमने 10,000 नहीं लेना, जो प्राइमरी के पास कितनी है 10 है ना, 10 जूल वो दे रहा है, तो उसका 10% यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को मिल रही है सिर्फ 1 जूल एनर्जी. इसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछा गया है टर्शरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी, टर्शरी कंज्यूमर को भी इसका 10% मिलेगी यानी कि 1 जूल अवेलेबल हो रही है उसका 10%, यानी कि 0.1 जूल हमें टर्शरी कंज्यूमर को
एनर्जी मिलेगी। अब काफ़ी बच्चे यहाँ क्या गलती कर देते हैं कि वो टोटल काउंट कर लेते हैं कि सेकेंडरी लेवल का पूछा है, चलिए जी सबका 10-10% जोड़ दिया, प्राइमरी का जोड़ दिया, सेकेंडरी का जोड़ दिया, टच तो भी 20% आ गया, तो चलो जी टोटल में से 20% निकाल दो। ऐसे नहीं करना, उसमें गलत हो जाता है। आपको हर लेवल का 10-10% निकाल के उसके बाद ही राइट वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है? रक्षित ऑब्जर्व्ड अ गार्डनर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स फ्रॉम अ गार्डन एंड बर्निंग देम। रक्षित ने ऑब्जर्व किया कि एक गार्डनर है, एक माली है, वो ड्राई लीव्स को गार्डन से इकट्ठी कर रहा है जब साफ कर रहा है, बट उसको बर्न कर रहा है। तो उस गार्डनर के पास किया एंड एडवाइज हिम टू यूटिलाइज द ड्राई लीव्स फॉर मेकिंग मेन्योर इंस्टेड ऑफ बर्निंग, कि आप उससे ड्राई लीव्स से मेन्योर क्यों नहीं बनाते, उससे बर्न क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? नेम द टू प्रोसेसेस विच कैन बी यूज्ड टू मेक मेन्योर फ्रॉम द ड्राई लीव्स। अगर ड्राई लीव्स अवेलेबल है तो हम कौन सी प्रोसेस से मेन्योर बना सकते हैं? तो हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, ये दो प्रोसेसेस हैं जिससे हम ड्राई लीव से मेन्योर बना सकते हैं, और ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाई डिड रक्षित एडवाइस द गार्डनर नॉट टू बर्न लीव्स। उसने ऐसे क्यों गार्डनर को एडवाइस किया कि आपको लीव्स को जलाना नहीं है? क्योंकि जो जब हम लीव्स को बर्न करेंगे या किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं तो स्मोक एमिट होती है, निकलती है, और हार्मफुल गैसेज रिलीज करती हैं जो एनवायरमेंट को अल्टीमेटली पोल्यूट ही करेंगे ना। इसीलिए रक्षित ने उनको एडवाइस कर दिया। इसके बाद है, व्हाट आर द वैल्यूज शोन बाय रक्षित। रक्षित इतनी सारी चीज़ें बोल रहा है गार्डनर को, तो उसमें कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं, यानी कि कौन सी ऐसी उसके अंदर वैल्यूज़ हैं जो शो हो रही हैं? सबसे पहला वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, उसके बाद वो लाइफ को लेकर बहुत कंसर्न्ड है। लाइफ को लेकर कैसे है? क्योंकि अगर इस तरह से एनवायरमेंट पोल्यूट होगा तो अल्टीमेटली हर ह्यूमन बीइंग, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स सबकी लाइफ पे फर्क पड़ेगा ना, तो कंसर्न फॉर लाइफ है। तीसरा क्या है? अवेयर है वो कि आजकल किस चीज़ की पॉल्यूशन इतना हो रहा है, तो नीड ऑफ द डे क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड है, और लॉजिकली वो थिंक करता है। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है आप माइंड में ऐसे ही सोच के बना सकते हो, ये कुछ मुश्किल नहीं है। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? व्हाई आर ऑर्गेनिक मेन्योर बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मेन्योर केमिकल फर्टिलाइजर से कैसे बेटर है? क्योंकि हमने भी पहले पढ़ा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हो गया, सॉइल फर्टिलिटी लूज हो रही है। ठीक है, सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, सैलिनिटी मीन्स खारापन, जो सॉइल की सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जो मैंने ऊपर भी आपको पॉइंट्स बताए हैं एग्रीकल्चर के, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर्म्ड एन एनवायरमेंट क्लब एंड स्टार्टेड कैंपेन टू रिसाइकल वेस्ट, नो क्रैकर कैंपेन एंड नो प्लास्टिक कैंपेन। अब एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक एनवायरमेंट क्लब बनाया है जिसके कुछ मेंबर्स हैं, और उन्होंने कैंपेन चलाए हैं किस चीज़ के, वेस्ट रिसाइकल के, नो क्रैकर कैंपेन यानी कि पटाखे वटाखे नहीं जलाने हैं, एंड नो प्लास्टिक कैंपेन, प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? सबसे पहला तो एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, ठीक है, दूसरा प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, यानी कि डिकम्पोज नहीं होता नेचुरली, तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। अगर कोई भी एनिमल इसे इंजेस्ट कर देता है तो वो चोकिंग क्रिएट कर देगा, ठीक है, तो और उनके डाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। तो ये जो दो पॉइंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट्स कराए हैं प्लास्टिक वेस्ट के, वो आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स टू यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ये क्वेश्चन भी किया है, जूट बैग्स हैं, पेपर बैग्स हैं, क्लोथ बैग्स हैं, ये सारे प्लास्टिक बैग्स का ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वैल्यूज एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। अब जब उन्होंने एनवायरमेंट क्लब बनाया और ये सारे कैंपेन्स चलाए, तो उनकी कौन सी वैल्यूज को दिखाता है ये? ये वैल्यूज 1, 2, 3 वाली नहीं सोच रहे ना कुछ बच्चे, वैल्यूज मीन्स इंटरनल कौन सी वैल्यूज बताता है, हम वो चीज़ें वापस से लिख सकते हैं। इको फ्रेंडलीनेस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कंसर्न फॉर लाइफ, अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, पहले वाले भी लिख सकते हो। इसके बाद है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिसाइकल वेस्ट। वेस्ट को रिसाइकल करना क्यों जरूरी है? ताकि गार्बेज जो है, जो गार्बेज जनरेट हो रहा है वो कम से कम हो, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेटेड। और इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो कि वेस्ट रिसाइकिल होगा तो क्या होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा, हमारा इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से चलेगा, ठीक है, तो खुद से काफ़ी सारी चीज़ें बन जाएंगी। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज़ प्रपोज्ड द ऑड इवन फार्मूला फॉर द यूज ऑफ कार्स ऑन एन ऑल्टरनेट बेसिस। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ऑड इवन पे कार चलाया करो भाई, ऐसे नहीं कि रोज़ सारे के सारे उठ के गाड़ियाँ चलाने लग गए,
तो इस जो ये मूव चलाई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, इसका क्या एम था? एट रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी, और फर्दर दिस मूव विल ऑल्सो हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल रिसोर्सेज. ठीक है ना, इससे फ्यूल भी बचेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा. तो आगे क्या पूछा है यहाँ पर कि मैंशन द वैल्यूज इनहेरेंट इन सच अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कौन सी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया था? पहला तो कि अगर एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि फ्यूल भी कम यूज होगा, यानी जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी के रिसोर्सेज दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं तो इसका जुडिशियली यूज करना चाहिए. एनवायरमेंटल हेल्थ को कंसर्न एंड केयर फॉर पब्लिक हेल्थ. देखिए सारे पॉइंट वही घूम फिर के आ रहे हैं, आपको बस मेंटली आपको ना बिल्कुल अवेयर रहना है कि हमने करना क्या, अलर्ट एकदम. नेक्स्ट है व्हाट अदर ऑप्शंस, एनी टू हमें बताने हैं, कैन बी यूज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पोल्यूशन. और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर हम पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं? अब ये सारे तो हमने कर दिए, गैसेस का, फर्टिलाइजर्स का. तो अगर हम सीएनजी एज अ फ्यूल यूज करेंगे और डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को नहीं यूज करेंगे या कम से कम यूज करेंगे तो भी पोल्यूशन कम होगा. नेक्स्ट है हाउ कैन सच अ मूव हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल रिसोर्सेज. अब जो दिल्ली गवर्नमेंट के मूव की बात की गई है तो बोल रहे हैं ये फ्यूल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेगा. अब क्या है, सारे के सारे जो व्हीकल्स हैं पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं. तो अगर इनका लेस यूज होगा तो ठीक है, फिर ये बचत ही तो होगी, कंजर्व ही तो होंगे, है ना. तो इस तरह से कंजर्वेशन होगा फ्यूल का. नेक्स्ट है हाउ कैन वी इंश्योर लेसर एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द व्हीकल्स. हम कैसे इंश्योर करें कि भाई व्हीकल से कम पॉल्यूटेंट्स निकले? पहला तो वही, आप सबकी चेकिंग होती है ना कि पोल्यूशन कराया है कि नहीं है, तो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और अच्छे इंजन्स का यूज़ करना चाहिए जिनकी हायर फ्यूल एफिशिएंसी हो. ठीक है, इसके बाद जो गैसेस होती हैं किसी भी व्हीकल से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं वो कम से कम निकले, और क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी का यूज करना चाहिए. इसके अलावा आपको और क्या करना है कि अपने जितने भी व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा हर टाइम, मतलब क्या कहते हैं इसे, इसको अच्छे से मेंटेनेंस मिलने चाहिए ताकि ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं हो. तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसे हम यहीं ख़त्म करते हैं. ठीक है बच्चे, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्री बोर्ड्स में आ चुके हैं मेरे कराए हुए, तो आप इसे बड़े ही अच्छे से ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं. राइट, ओके, थैंक यू.